जी अस्सलाम वालेकुम आप सब कैसे हैं उम्मीद है सब ठीक होंगे और रमजान शरीफ आप लोगों का बड़ा अच्छा जा रहा होगा और, आप, और आपकी फैमिली कोरोना की वबा से महफूज होगी सीवी आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूँ कि आपने सीवी जॉब के लिहाज से कैसे बनानी है सीवी आपके जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से और कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट होती है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि कहीं किसी भी जॉब के लिए आप जब अप्लाई करते हैं तो पहले आप नहीं वहाँ पे जाते आपकी सीवी जाती है तो डेफिनेटली सी वी आपका रिप्रेजेंटेटिव हो गया तो आपका रिप्रेजेंटेटिव अच्छा तो होना चाहिए ना अगर आपका रिप्रेजेंटेटिव अच्छा नहीं होगा तो इंप्रेशन कैसे बढ़ेगा आप आप शॉल कैसे होंगे जब शो नहीं होंगे तो आपके चांसेस ऑफ सिलेक्शन कम हो जाएंगे आप वो जॉब हासिल नहीं कर कर सकेंगे दूसरे एंड पे अगर आपकी सी वी बड़ी इम्प्रेसिव है ठीक है तो आपके आपके चांसेस ऑफ सिलेक्शन बढ़ जाते हैं जब चांसेस ऑफ सिलेक्शन बढ़ जाते हैं तो आपके आपको वो जॉब मिल सकती है ठीक है और जब आप शॉर्टलिस्टेड हो जाते हैं आपकी मैच कर जाती है तो आपके चांसेस ऑफ सिलेक्शन बढ़ जाते हैं क्योंकि मुझे पता है बी एम के रिक्रूटर रुकूर, मैं पहले बता दूं मैं दस साल का एक्सपीरियंस है मैं बहुत बड़े बड़े इंटरव्यूज का पैनल हज़ारों हज़ारों इंटरव्यूज किए हैं मैंने और उनका पैनल का हिस्सा भी रहा हूँ मुझे पता है कि रिक्रूटर क्या देखता है सी को कैसे सिलेक्ट करता है उसके पास टाइम कितना होता है वो क्या चीज़ें देखता है सी में और इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि आपने सी जॉब के लिहाज से क्योंकि हमारी सबसे बड़ी गलती पता क्या होती है हम एक ही सीवी मल्टीपल पे अप्लाई कर रहे होते हैं और उसके बाद हम ये कह रहे होते हैं कि हमें जॉब नहीं मिली हमारी हमें कॉल ही नहीं आई सारा रेफरेंस पे सो है ऐसा कुछ नहीं ऐसा ऐसा कुछ नहीं एक और चीज़ बात बता दो एक जॉब अप्लाई करने में थर्टी से फोर्टी मिनट्स लगते हैं और हम क्या करते हैं हम सेकंडों में अप्लाई कर देते हैं देन वी थॉट कि हमें जॉब कॉल नहीं आई शॉट लिस्ट नहीं हुई इंटरव्यू कॉल नहीं आई, भाई वो रेफरेंस बेस नहीं होगा मैं रेफरेंस से भी नहीं डुलाई कर रहा रेफरेंस भी होगा बट आप कुछ होना चाहिए बींग रिक्रूटर हमारी सबसे पहली जो तरजीह होती है जो प्रेफरेंस होती है कि हमें राइट right प्रोफाइल मिल जाए फॉर एग्ज़ाम्पल हमें कोई रेफर भी करता है तो हम ये नहीं देखते कि उसको आंखें बंद करके शॉर्ट लिस्ट कर लेते हैं और उसको सेलेक्ट कर लेते हैं अगर ऐसा होगा जिस डिपार्टमेंट में वो जाके परफॉर्म करेगा तो वो भी एच आर पे या रिक्रूटर पे क्वेश्चन हो जाएगा अगर वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा और कोई बंदा अपनी जॉब पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना चाहता तो हमेशा हमेशा हर बंदा जो है अपनी जॉब को हंड्रेड परसेंट फुलफिल करना चाह रहा होता है तो बींग रिक्रूटर वो भी ऐसे ही करना चाह रहा होता है अगर आपकी सी वी इम्प्रेसव उसकी नज़रों में आ गई तो आप शॉर्ट हो जाएंगे सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सी वी किस कहते हैं सी किस जबान का लफ्ज़ है उसका मतलब क्या है सी में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं क्या क्या चीज़ें हमने ब... सी बनाते हुए किन चीज़ें लिख सकते हैं और रिज्यूमे uh, किसे कहते हैं रिज्यूमे में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं फिर इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है सीवी कितने पेज की होती है रिज्यूमे कितने पेज की होनी चाहिए और रिज्यूमे के थ्रू कहाँ पे अप्लाई किया जाता है और सीवी के थ्रू कहाँ पे अप्लाई किया जाता है आ, बात करते हैं सबसे पहले सीवी सीवी जैसे कि आपको पता है कि सीवी जो होती है ये डिटेल चीजें होती हैं ये डिटेल इसमें हर चीज़ का आपने पर्सनल इंफॉर्मेशन का कंप्रीहेंसि डिस्क्रिप्शन हर चीज़ जो आपने अचीवमेंट्स की है जो आपकी पब्लिकेशंस हैं कोई आपने कॉन्फ्रेंस अटेंड की है कोई आपने टीचिंग किया है कोई रिसर्च आपने किया है कोई सर्टिफिकेट है कोई फेलोशिप है, है कुछ भी है जो आपने लाइफ में किया है ठीक है ये डिटेल होती है डिटेल इसके बारे में लोता है वैसे सीवी को कैलकुलम विटे भी कहते हैं और ये लैटिन वर्ड्स है लैटिन वर्ड्स है जिसका मतलब होता है द कोर्स ऑफ योर लाइफ इसका ये मतलब ये होता है तो सीवी का मतलब ये हो गया इसका ओवरऑल व्यू ये हो गया कि आपने डिटेल चीज़ें लिखनी है हर चीज़ को लेबोरेट करना है अब इसमें देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं इसमें फुल नेम होता है कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन होती है प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन होती है जिस रिज्यूम समरी हो गया रिज्यूमे ऑब्जेक्टिव हो गया रिसर्च इंटरेस्ट होता है एजुकेशन क्या है क्या क्या हासिल किया है अगर आपकी कोई पब्लिकेशन है वो क्या है वो लिखनी होती है टीचिंग लेक्चर एक्सपीरियंस होता है वो लिखना होता है वर्किंग एक्सपीरियंस है तो वो लिखना होता है अगर आपने कोई कोर्सेस किया है या कॉन्फ्रेंस की है वो होता है स्किल होती है सर्टिफिकेट होते हैं लैंग्वेज जो आप ग्रांट ऑफ फेलोशिप होती है रेफरेंस होता है कुछ भी हो वो आपने इसमें मैंशन करना होता है ये सी होती है सीवी का तो हमने डिस्कस कर लिया अब डिस्कस करते हैं रिज्यूमे के बारे में कि रिज्यूमे किसे कहते हैं और रिज्यूमे में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं रिज्यूमे एक शॉर्ट वर्ड होता है जिसमें हम समरी लिखते हैं अपनी पूरी डिटेल में नहीं जाते हम समरी लिखते हैं चीज़ों की अपनी जॉब इंफॉर्मेशन की क्वालिफ़िकेशन की ऑब्जेक्टिव की इनकी समरी होती है मतलब डिटेल में नहीं जाते हैं. जैसे सीवी में तो हम डिटेल में चीज़ें लिख रहे होते ना हाँ वो चीज़ इसमें डिटेल में नहीं जाते ठीक है इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं इसमें पहली चीज़ें तो वही हैं फुल नेम होता है जॉब इन जो पर्सनल इंफॉर्मेशन में क्या है फुल नेम जॉब टाइटल पोजीशन यू आर अप्लाइंग इंफॉर्मेशन रिज्यूमे समरी ऑब्जेक्टिव वर्क एक्सपीरियंस एजुकेशन रेलिवेंट स्किल्स लैंग्वेज और रेलिमेंट सर्टिफिकेट ये चीज़ें होती हैं इससे कम भी हो सकता है आप इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं ये कोई मतलब पैट रूल नहीं है ये आप शॉर्ट भी कर सकते हैं सी वी और रिज्यूमे के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया कि वो क्या होती है सी वी क्या होती है और रिज्यूमे क्या होती है रिज्यूमे किस तरह की होती है और सी वी किस तरह की होती है उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं आप डिस्कस करते हैं कि सीवी कितने पेज की होती है और रिज्यूमे कितने पेज की होती है और सीवी वी कहाँ पर अप्लाई होता है सीवी के थ्रू कहाँ पे अप्लाई होता है और रिज्यूमे के थ्रू कहाँ पे अप्लाई होता है ठीक है जैसे को तो जैसे तो आपको पता ही है कि सीवी जो पेज होती है वो अनगिनत पेज होते हैं कि यहाँ तक लिख एक्सपर्ट लिखते हैं कि पचास पेज तक भी ले ले जा सकते हैं एक पेज से लेकर पचास पेज तक भी ले जा सकते हैं सीवी के बारे में ठीक है और सीवी का यूज़ जो होता है एकेडमिक इंडस्ट्री में होता है एकेडमिक मतलब टीचिंग की जॉब में अगर आपने कोई स्कॉलरशिप अप्लाई करना है या पब्लिक जॉब में अप्लाई करना है तो ये सजेशन है कि आप सी वी वहाँ पर सेंड करें और रिज्यूम में रिज्यूम में मैक्सिमम दो पेज की होती है आइडियल वन पेज और मैक्सिमम दो पेज की होती है ठीक है और रिज्यूमे के थ्रू आपने जो अप्लाई करना होता है वो प्राइवेट सेक्टर में अप्लाई करना होता है रिज्यूमे ये काम करती है ठीक हो गया इन दोनों में ये डिफरेंस होता है क्योंकि सीवी जो लेंथ लेंथी होता है उसमें पूरी डिटेल होती है और जो रिज्यूमे होती है वो शॉर्ट होती है ये दोनों चीज़ें मैं गल्फ के लिहाज से आप लोगों को बता रहा हूँ कि अगर आप बाहर अप्लाई करना चाह रहे हैं या पाकिस्तान में अप्लाई करना चाह रहे हैं ठीक है ये दोनों उनके लिए फ़ायदेमंद होंगी जो किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं अब्रॉड या विद इन द कंट्री एक जॉब एडवर्टाइजमेंट है ये जॉब एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हम जानेंगे कि इस जॉब के लिहाज से एक अच्छी रिज्यूमे हम कैसे बना सकते हैं ये दुबई की जॉब है एक अकाउंटेंट चाहिए अकाउंटेंट चाहिए।, चाहिए उसकी पूरी चीज़ें हैं कि स्किल्स क्या रिक्वायर्ड है उसकी एजुकेशन क्या रिक्वायर्ड है उसका एक्सपीरियंस क्या रिक्वायर्ड है उसको किस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए ठीक है किस सॉफ्टवेयर के नॉलेज होना चाहिए उसको कम्युनिकेशन कैसी होनी चाहिए यह है कि लुकिंग अकाउंटेंट टू मैनेज ऑर्गेनाइज एनालाइज एंड कंट्रोल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो कैंडिडेट उसमें क्या क्या होना चाहिए बैचलर डिग्री

बाद में हम इनको डिटेल के साथ डिस्कस कर लेंगे और उस जॉब को मद्देनज़र रखते हुए जो मैंने आपसे पिछले पहले पे, शेयर की है उस जॉब को मद्देनज़र नज़र रखते हुए हम रिज्यूमे बनाएंगे उस जॉब के मुताबिक अब पहले उनकी हेडिंग्स डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले जो हैडिंग्स होती हैं वो पर्सनल इंफॉर्मेशन की होती है रिज्यूमे में सेकंड जो होती है वो करियर ऑब्जेक्टिव होते हैं क्योंकि पर्सनल इंफॉर्मेशन के बाद उसको कैरी ऑब्जेक्टिव रिक्वायर्ड होती है और तीसरा जो होता है प्रोफेशनल स्किल्स होती हैं चौथी जो होती है वो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होता है और पाँचवीं जो होती है प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होती है छठी उसकी लैंग्वेज एबिलिटी होती है सातवीं जो रेफरेंस होता है कि कोई रेफरेंस है इसमें एक और चीज़ जाते हुए मैं डिस्कस करता चलूँ कुछ लोग ये कहते हैं कि रिज्यूम में ज बनाते हुए पहले एक्सपीरियंस पहले लिखते हैं या क्वालिफिकेशन पहले लिखते हैं ये भी चीज़ मैं एबोरेट कर दूं अगर आप फ्रेश हैं आपका एक्सपीरियंस कोई नहीं है तो पहले आप क्वालिफिकेशन लिखेंगे और अगर आप एक्सपीरियंस हैं तो पहले आप फिर आप एक्सपीरियंस लिखेंगे या क्वालिफिकेशन बाद में लिखेंगे अगर आप फ्रेश हैं तो पहले क्वालिफ़िकेशन होगी उसके बाद जो भी इंटर्नशिप का होगा वो लिखेंगे ये तरतीब लिखनी है इसको अब हम डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन सबसे पहली जो चीज़ होती है वो पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है जो एम्प्लॉय को रिक्वायर्ड होती है एम्प्लॉय देख रहा होता है जो आपके रिज्यूमे पे टॉप पे होती है ठीक है ये सैम्पल के तौर पर ये सैम्पल है ये मैं समझाने के लिए आप लोगों के लिए बनाया है ये कोई पैट नहीं है ये मैंने पावर पॉइंट में बनाई है कि आप लोगों को समझाने के लिए ठीक है एक आइडिया देने के लिए अदरवाइज़ ये वर्ड में सी वी होती है या पी डी एफ में होती है उसमें बनाते हैं ठीक है थीके? और सिंपल सी फार्मेटिंग इसकी यूज़ करते हैं और ज़्यादा करते भी और प्रोफेशनल सी पिक्चर लगाते हैं पिक्चर भी जो मेरे पास पड़ी हुई थी इस वक्त जो अवेलेबल थी इजीली वो मैंने लगा दी है बट पिक्चर जो आपने लगानी है वो प्रोफेशनल सी डिसेंट सी लगानी है ऐसी वाली नहीं लगानी है। ये कैजुअल सी पिक्चर मैंने लगाई है बट आप लोगों को अंडरस्टैंड करवाने के लिए कि क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं पर्सनल इंफॉर्मेशन में सबसे पहला जो चीज़ आएगी वो आपका नाम होगा आपके वाले साहब का नाम होगा ठीक है और अगर आप बाहर अप्लाई कर रहे हैं तो नेशनलिटी उसके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है रिलीजन होता है डेट ऑफ बर्थ होती है आपका सोशल स्टेटस होता है या इसको मेरिटल uh, स्टेटस भी कह देते हैं सोशल स्टेटस आप मैरिड है कि सिंगल है इसके अलावा पासपोर्ट नंबर होता है इसके अलावा अगर पासपोर्ट एक्सपायरी डेट होती है ठीक है और इसमें दो तीन चीज़ें और भी ऐड हो, होती हैं वो इस पेज पे आ नहीं रही थी मैंने कहा चले वो आप ख़ुद लिख लेंगे उसमें होता है कॉन्टैक्ट डिटेल आपका सेल नंबर आपका सेल नंबर कौन सा है और आपका जो लैंडलाइन नंबर वो आपका ईमेल आईडी, आपका कुछ सोशल मीडिया पे जो इसमें है सोशल वेबसाइट्स पे आपके उनके लिंक ये करते हैं जैसे लिंकड है उसका लिंक भी आप कर सकते हैं कि अगर आप सीवी देख रहे हैं वो आपको वहाँ पे वेबसाइट पे जा भी चेक कर सकता है ये चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन में सेकंड नंबर पे आ जाते हैं कैरियर ऑब्जेक्टिव आपने पहले वाले जॉब एडवर्टाइजमेंट तो जो सैम्पल मैंने आपको दिखाया था वो आपने पढ़ लिया होगा उसको देख लिया होगा उस ये कैरियर ऑब्जेक्टिव लिखते हुए उस जॉब एडवरटाइजमेंट को मद्देनज़र रखना है क्योंकि जैसा कि मैंने पहले आपको बताया है जो रिक्रूटर होता है जिसने आपकी सीवी वी चे आपकी चेक करनी होती है उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि आपकी वो सीवी पूरा टाइम वेस्ट करे उसके पास मैक्सिमम आठ से दस सेकंड होते हैं आठ से दस सेकंड में आपने प्रेजेंटेशन अपनी सीवी की ऐसी देनी है कैरी ऑब्जेक्टिव ऐसे बनाने हैं कि आठ से दस सेकंड में आपको आपकी सीवी उसको इम्प्रेसिव लगे और वो उसी को आपको कैरी ऑब्जेक्टिव पढ़ते ही आपको शॉर्ट लिस्ट कर ले इसको ऐसे बनाना है उस जॉब एडवर्टाइजमेंट को मद्देनज़र नज़र रखना है अकाउंटेंट की पोजीशन थी बैचलर डिग्री थी पाँच साल का एक्सपीरियंस चाहिए था और हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री का जिसमें एक्सेल पे ऑफिस में ग्रिप हो एक्सेल पे ग्रिप होनी चाहिए और क्विक बुक का सॉफ्टवेयर होना चाहिए ठीक है हमने उस जॉब एडवर्टाइजमेंट को नज़र मद्देनज़र रखते हुए ये सैम्पल एक कैरी कर, ऑब्जेक्टिव का बनाया है आप अपने तरीके से भी बना सकते हैं बट उसमें जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो ऑब्जेक्टिव में लाजमी शो होनी चाहिए लाजमी एड होनी चाहिए जे क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव पढ़े और आपको कॉल आ जाए वो शॉर्ट लिस्ट कर ले अगर शॉर्ट लिस्ट करेगा तभी आपको कॉल आएगी ना टू ऑब्टेन द पोजिशन ऑफ अकाउंटेंट अकाउंटेंट वहाँ पर थी अकाउंटेंट पोजिशन इन हॉस्पिटल इंडस्ट्री वेयर आई कैन यूज माई प्रोफेशनल नॉलेज ऑफ एम बी ए फस एंड स्किल ऑफ मैनेजिंग और ऑर्गेनाइजिंग कंप्यूटिंग रिकॉर्डिंग कलेक्टिंग, एनालाइजिंग एंड वेरीफाइम नोमेरिकल डाटा इन क्य बुक सॉफ्टवेयर जो वहाँ पर रिक्वायरमेंट था एम एस एक्सल जो वहाँ पर रिक्वायरमेंट था फॉर यूज़ इन मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ द फाइनेंशियल ऑपरेशन एंड जनरेटिंग बिल्स एंड कलेक्टिंग आर रेवेन्यू ऑन टू द होटल इन एक्यूरेट टाइमली मैनर्स इन अकॉर्डिंग्स विद अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स पाँच छः जो रिक्वायरमेंट थी उनकी जॉब की वो इसमें ऐड कर दी है ऐड हो चुकी है ऑटोमेटिकली जो बंदा ये ऑब्जेक्टिव पढ़ेगा वो आपको शॉर्स्ट जरूर करेगा अकॉर्डिंग हॉस्पिटल इंडस्ट्री एक्सपीरियंस नॉलेज जो उसकी क्वालिफिकेशन थी उसकी स्किल्स सारा कुछ इसमें ऐड करती है तीसरे नंबर पे आती प्रोफेशनल स्किल्स जो एडवर्टाइजमेंट जॉब आ मैंने आपके आपको शो करवाई थी जिसके जरिए जिसको मद्देनजर रखते हुए हम ये रिज्यूमे बना रहे हैं उसमें जो जो स्किल रिक्वायर्ड थी आपने प्रोफेशनल स्किल्स में वही स्किल रखनी है वही लिखनी है और ये नहीं कि हु वैसे ही लिख देनी है नहीं 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 ये स्किल लिखते हुए आपने लफ्ज़ थोड़े से चेंज कर लेने हैं ठीक है ठीके? कि ये साबित ना हो कि वही आपने कॉपी पेस्ट कर दी है आपने उनको थोड़ा सा दूसरे तरीके से लिख लेना है ठीक है यहाँ पे ए, वहाँ पे जो उनकी स्किल्स रिक्वायर्ड थी स्ट्रॉन्ग रिटर्न एंड और कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड थी ठीक है अकाउंटिंग है तो ऑर्गेनाइजेशन अटेंशन टू डिटेल टाइम मैनेजमेंट सिस्टम एनालिसिस मैथमेटिकली क्रिटिकल थिंकिंग और भी हो सकती हैं बहुत सारी हो सकती हैं जो आप मत, आपके अपनी जॉब के मुताबिक जिसमें अप्लाई करें वो उसको मद्देनजर रखना है ये चीज़ें मैं सैम्पल के तौर पर बता रहा हूँ सैम्पल एक आइडिया के तौर पर ठीक है इसके थ्रू आपने आइडिया लेना है क्योंकि अगर आप ये ये आइडिया आपको मिल गया आपने सी वी बना ली इन शाला तल आपको शॉर्ट लिस्टेड होने से कोई नहीं रोक सकता वो जो है प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है प्रोफेशनल एक्सपीरियंस पे जाने से पहले एक पॉइंट मैं क्लियर कर दूँ अक्सर अकात लोग पूछते हैं कि पहले आप हम प्रोफेशनल एक्सपीरियंस लिखें या क्वालिफिकेशन लिखें अगर आप रिसेंटली ग्रेजुएट हैं या फ्रेश हैं तो सबसे पहले एजुकेशन आएगी उसके बाद कोई इंटर्नशिप अगर आपने की हुई वो आ जाएगी बट अगर आप एक्सपीरियंस है तो पहले एक्सपीरियंस आएगा एक्सपीरियंस डिटेल आएगी उसके बाद आपकी एजुकेशन या क्वालिफिकेशन आएगी रिज्यूमे बनाते हुए इन चीज़ों को इस चीज़ को मद्देनज़र लाजमी रखिएगा आप ये प्रोफेशनल एक्सपीरियंस को डिस्कस करते हैं जो हमने जॉब एडवर्टाइजमेंट पड़ी थी उसको मद्देनज़र रखते हुए ये हमने रखना है क्योंकि अक्सर औकात उनको वो बंदा भी चाहिए होता है जिसमें कुछ चीज़ें होती हैं जो सीवी रिज्यूमे में मिसिंग होती हैं प्रोफेशनल एक्सपीरियंस लिखते हुए वो चीज़ें भी मैंने ऐड की हैं उसको वन बाई वन भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा हमें पता है कि आपने क्योंकि आप वो उस जॉब को मद्देनजर रखते हुए आपके पास एक्सपीरियंस जिसमें आप करंटली काम कर रहे हैं वो भी अकाउंटेंट पोजिशन है ठीक है आप रिपोर्टिंग मैनेजर अकाउंट्स को है रिपोर्टिंग फ्राम ठीक है रिपोर्टिंग फ्राम क्यों मैंने यहाँ पे लिखा है अक्सर कात ये कंपनी रिक्वायर्ड कर रही होती हैं कि बंदे ने बंद में कोई लीडरशिप स्किल भी है लीडर इसने लीड भी किया है डिपार्टमेंट में लीड का कैसे पता लगेगा लीड का तभी पता लगेगा अगर आपने किसी टीम को मैनेज किया है ठीक है और दूसरी चीज़ ये कि कुछ टीम लीडर भी उनको चाहिए होता है वो बनना चाहिए होता है जो टीम प्लेयर हो ये भी लिखा होता है वो स्किल ऐटोमेटिकली यहाँ पे ऐड हो जाएगी वो कैसे हो जाएगी जब आप रिपोर्टिंग ले रहे होंगे आप टीम टीम को मैनेज कर रहे होंगे अगर आप टीम को मैनेज कर रहे हैं तो आप टीम प्लेयर हैं उनमें हर चीज़ को इक्वल कर रहे हैं ठीक है ये इस, इसका मकसद ये है और तीसरा चौथा ये है कि इंडस्ट्री क्योंकि वहाँ उनको हॉस्पिट्री इंडस्ट्री चाहिए और आपका करंट एक्सपीरियंस भी हॉस्पिटल इंडस्ट्री में ये भी एक बहुत प्लस पॉइंट होगा और इसमें आप नहीं एक और चीज़ भी ऐड करनी है ड्यूरेशन आप कब से ये जॉब कर रहे हैं ये लास्ट में है ये भी आपने ऐड करना है और जो लास्ट पर आपने लिखना है पूरी डिटेल नहीं लिखनी क्योंकि ये रिज्यूम में है ये नहीं लिखना कि आपका जॉब प्रॉपर क्या है आप डिटेल जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ पे क्या है नहीं आपने जॉब बस जॉब परपज़ लिख देना है आपका जॉब बिंग ए अकाउंटेंट आपका जॉब पर्पज़ आप वहाँ पर क्या क्या कर रहे हैं ठीक है तो ये लिख देना जैसे यहाँ पर लिखा है अकाउंटेंट टू मैनेज आर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन फ्राम फ्राम फिक्स पेमेंट एंड वेरिएबल एक्सपेंसिस टू बैंक डिपॉजिट्स एंड बजट्स ये परपज जॉब का अकाउंटेंट का लिख दिया है पाँचवीं जो चीज़ होती है वो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होती है जो रिज्यूमे में आपने मेंशन करनी होती है वो वो क्वालिफिकेशन होती है आपने क्वालिफिकेशन को भी मद्देनज़र रखना है उस एडवरटाइजमेंट के लिहाज से जो भी क्वालिफिकेशन है क्योंकि बाकियों में तो आप अमेंड कर सकते हैं क्वालिफिकेशन अमेंड नहीं हो सकती जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो क्वालिफिकेशन ही रहेगी राइट right? बट इसको हाईलाइट करना पड़ता है जैसे ये एक सैम्पल के तौर पर मैंने आपके पास सामने तो पिक्चर आ रही है प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की क्योंकि हॉस्पिटल इंडस्ट्री है ना उनकी रिक्वायरमेंट भी बैचलर थी बैचलर तो इसमें है ठीक है इसको हाईलाइट करना ठीक है और क्योंकि हॉस्पिटल इंडस्ट्री थी आपने होटल सेफ्टी का भी डिप्लोमा किया इस बंदे ने और पी भी की हुई है वो भी लाहौर इसमें बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ये प्लस पॉइंट होगा प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन लिखते हुए इन चीज़ों को भी हाईलाइट करना है ठीक है ये सैम्पल है आप अपने लिहाज से भी आगे कर सकते हैं जैसे पी है किस कॉलेज से है आगे किस ड्यूरेशन में की है आगे इसका ग्रेड्स क्या है उसमें से आपका जो स्पेशलाइजेशन वो वो क्या थी ये भी आप कर सकते हैं बट ये रिज्यूमे में ये मोटा मोटा ये लिखते हैं वो सीवी में डिटेल में जाते होते हैं ठीक है इसका मकसद सी में होता है इसमें नहीं होता नंबर सिक्स जो है वो लैंगजबिलिटी है मतलब ये कि आप कम्युनिकेशन कैसी है और क्यों कौन कौन सी लैंग्वेज आपको आती है ठीक है क्योंकि ये भी जॉब की रिक्वायरमेंट होती है जैसे वो जॉब है वो दुबई की अकाउंटेंट की जॉब है ठीक है दुबई में बंदे को देखें हमारी हमारी जो नेशनल लैंग्वेज है या कौमी लैंग्वेज वो उर्दू है पंजाबी भी बोल सकते हैं उर्दू भी बोल सकते हैं बट ये दोनों लैंग्वेज अगर आप मल्टी नेशनल लोगों में जा रहे हैं मल्टी वहाँ पे मल्टी नेशनल लोग हैं तो ये दोनों लैंग्वेज वहाँ आप पर आपको काम नहीं आएंगी वहाँ पर वो इंटरनेशनल लैंग्वेज समझ आएगी ठीक है ये भी जॉब की एक रिक्वायरमेंट होती है ये जॉब में मैंनेशन होती है ठीक है जैसे ये ये पिक्चर आपके सामने आ रही है एक सैम्पल के तौर पर बता रहा हूँ आपने अपनी जॉब रिक्वायरमेंट के जॉब एडवर्टाइजमेंट के जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं आपने उस जॉब के लिहाज से बनाना है ठीक है जैसे आपको इंग्लिश है आपने इंग्लिश का ल, ए, लिखा है क्योंकि आप दुबई के लिए अप्लाई कर रहे हैं ना अकाउंटेंट की पोजीशन दुबई के लिए जो एडवर्टाइज मैंने आपको दिखाई थी इंग्लिश लैंग्वेज आपने उसका बताना है रीडिंग राइटिंग आपने बाकी चीज़ें भी ऐड कर लेनी है आपकी रीडिंग की स्किल क्या है राइटिंग स्किल क्या है स्पीकिंग स्किल क्या है लिसनिंग स्किल क्या है आगे उनके लेवल बता देने हैं ऐसे क्योंकि आप दुबई जा रहे हैं रॉबिक भी है अगर आपको आती है या समझ सकते हैं या लिख सकते हैं जो भी है वो वो भी कर देनी अगर नहीं जो चीज़ नहीं आती वो आपने नहीं नहीं लिखनी क्योंकि अगर जो चीज़ नहीं आती वो लिख देंगे वो इंटरव्यू में आपको प्रॉब्लम होगी ठीक है लैंग्वेज का बड़ा इम्पैक्ट होता है सी वी पे क्योंकि ये भी जॉब रिक्वायरमेंट में शामिल होती है तो आपने जॉब लैंग लिखते हुए लैंग्वेज लिखते हुए वो चीज़ें लिखनी जो आपको आती हैं हंड्रेड परसेंट आती है छठा और लास्ट जो चीज़ होती है वो रेफरेंस होता है कुछ लोग समझते हैं कि रेफरेंस मतलब नेगेटिव चीज़ होती है रेफरेंस ऐसी कोई चीज़ नेगेटिव नहीं होती रेफरेंस ये होता है के अगर कंपनी आपको ऑफर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो कंपनी रेफरेंस मांग रही होती है जिससे आपका एक बैकग्राउंड चेक कर ले ठीक है आपकी पास्ट जो आपकी ए, क्या कहते हैं करैक्टर है वो चेक कर ले और काम के लिहाज से चेक कर ले हमेशा रेफरेंस अगर आपने लिखने हैं तो प्रोफेशनल रेफरेंस लिखने हैं जिन जिन कम्पनीों में आपने काम किया हुआ वो है वो रेफरेंस लिखने हैं और जो आपने प्रेफरेंस देनी है जो मोस्ट सूटेबल होते हैं जिनको आप रिपोर्टिंग कर रहे थे फॉर एग्जांपल करंट जॉब में और उससे पहली जॉब में जिसको आप रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं ना वो लिख दें अगर आपकी उसके साथ अच्छी है क्योंकि कंपनी ने उसको कॉल लाजमी करनी होती है और फीडबैक लेना होता है क्योंकि रेफरेंस लिखते हुए उसका नाम उसकी पोजीशन, उसके ईमेल आईडी, उसका सेल नंबर और कंपनी डिटेल लाजमी देनी होती है ये भी लिखें क्योंकि कंपनी ने उसको अप्रोच करना है अगर आप सिंपल लिख सकते हैं विल बी फर्निश्ड अपन ऑन रिक्वेस्ट जब आपको सिलेक्शन हो जाती है तो कंपनी रिक्वायर्ड कर उस वक्त मांगती हैं कि हमें आपने दो दो रेफरेंस दें जिनसे हम आपका कैरेक्टर और बाकी चीज़ें प्रोफेशनल चीजें चेक कर सकें आपने हमेशा रेफरेंस प्रोफेशनल ही बंदों को देने हैं और मोस्ट मोस्ट जो बहुत बेहतर चीज़ होती है वो जिनको आप रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं उनको देने हैं जो आपके बॉस होते हैं उनको देने होते हैं ये एक अच्छी चीज़ होती है ठीक है सारी हेडिंग्स हमने जो है डिटेल के साथ डिस्कस कर ली अब हम इनको एक पेट ले आते हैं सी रिज्यूमे की सूरत में ये मेरे पास एक बंदे ने अप्लाई किया था अकाउंटेंट पोजीशन के लिए ठीक है मैंने थोड़ा सा सीवी को उसकी सीवी को जॉब के मुताबिक मैंने किया था ठीक है ये कोई पेट इन चीज़ नहीं होती आप अपने लिहाज से भी बना सकते हैं बट ये ये आपसे आपको एडवाइज़ है कि सी वी रिज्यूमे बनाते हुए हेडिंग्स आपने यही रखनी हैं बट हेडिंग्स को आप अपने तरीके से मोल्ड कर सकते हैं ठीक हो गया अपने तरीके से मोल्ड कर सकते हैं और भी इनके सिनो नेम्स लिख सकते हैं ठीक है उसके लिहाज से और भी वर्ड लिख बट हेडिंग्स होनी यही चाहिए ये कि सी है इस बंदे ने अकाउंट्स के लिए मुझे सी दी थी बाहर के लिए दुबई के लिए तो ये मैंने लिखा हुआ है आप देखा है जो हमने चीज़ें डिस्कस की हैं जैसे पहले नंबर पे उसका नाम आ रहा है साथ उसकी सी पिक्चर आ रही थी पिक्चर तो मैंने शो नहीं की आगे पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ रही है ठीक है कैरियर ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं प्रोफेशनल स्किल्स आ रही है एक्सपीरियंस आ रहा है एजुकेशन आ रही है जो चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं इसके अलावा एबिलिटी आ रही है और जो है लास्ट पे रेफरेंस चेक है ये सैम्पल के तौर पर है जो हम चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं मैंने कहा चलें आपको वर्ड्स में भी ये एज ए सैम्पल चेक करवा दें ठीक हो गया ये वीडियो थी हाउ टू मेक हाउ टू राइट फैक्ट सी वी या पावरफुल सी वी उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के थ्रू आपको तो थोड़ा बहुत नॉलेज मिल गया होगा कि गल्फ में अप्लाई कैसे सी वी बनानी कैसे है ठीक है आप कुछ आइडिया हो गया होगा ठीक है और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और कमेंट करें अगर आपकी कोई भी सजेशन है रिगार्डिंग सी या कोई और आपकी क्यू है तो आप मुझे प्राइवेटली मैसेज भी कर सकते हैं राइट और इसके अलावा इन नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत सारी और चीज़ें भी लेकर आएंगे जिसमें जो स्किल्स होंगी कि जब सी वी आप अप्लाई कर देते हैं तो नेक्स्ट स्टेप होता है कि इंटरव्यू शॉल्ट होते हैं शॉल लिस्ट होने के बाद इंटरव्यू वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है अगर आपकी सी वी बहुत अच्छी बनी हुई है इंप्रेसिव है अगर आप इंटरव्यू में परफॉर्म नहीं कर पाते तो आप सेलेक्ट कैसे होंगे तो उम्मीद है नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलिएगा इंशाल्लाह आप उसमें इंटरव्यू स्किल्स के बारे में जानेंगे इंटरव्यू कैसे देते हैं क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं सीवी अब में क्योंकि अगर आपका कौन सी चीज़ें हैं जिसके थ्रू आप सेलेक्ट होते हैं अगर आपको वो आती हैं तो कभी भी आप ऐसा नहीं हो सकता सेलेक्ट नहीं हो सकते और एक बार फिर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबा दें क्योंकि इससे कोई भी हमारी अपडेटेड वीडियो जो आपके पास आ जाएंगी ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएंगी क्योंकि मेरे म, मेरे मुताबिक जो इंफॉर्मेशन होती है वो नॉलेज तभी बनता है जब आप शेयर करते हैं लाइक like करते हैं कमेंट करते हैं बिकॉज़ आई अंडरस्टैंड शेयरिंग इज़ केयरिंग इफ़ यू शेयर विद समवन व्हाट इट मीन यू आर केयरिंग्स केयरिंग द पीपल्स तो केयर ही सब कुछ होती है और मोहब्बत सब कुछ अल्लाह पाक आप सबको हिफ़ में रखे मोहब्बतें बांटे मोहब्बतें करें इस दौर में मोहब्बतें रिक्वायर्ड हैं और किसी के लिए अगर कुछ कर सकते हैं तो जरूर करें और करना भी चाहिए अल्लाह आप सबका नेगेबान हो अल्लाह आप सबका अमीन आसन हो